नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के न्यू डेबिट कार्ड आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हो। इस वाले वीडियो में आप लोग को डिटेल्स में बताऊंगा। वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखते हैं तो अभी जाके आपको पता चलेगा। उससे पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास ही होना चाहिए, उसके बाद ही जाके आप यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हो। और एक चीज मैंने आप लोग को बताता हूँ, अगर आपके पास कॉर्पोरेशन बैंक में अकाउंट है और आंध्रा बैंक में अकाउंट है, आपके जो न्यू एटीएम कार्ड यहाँ पर आपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के आएगा, क्योंकि आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पर मार्च हो चुका है। तो आपके पास यहाँ पर न्यू डेबिट कार्ड आएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, तो आपको क्या करना है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो एटीएम है उसी में जाके आपको एक्टिवेट करना है। मैंने इस वाले वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो एटीएम है, एटीएम मशीन पर पहुंच चुका हूँ। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर डेबिट कार्ड को इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर आपको प्लीज़ वेट करके दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद आपके पास इसी तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इंग्लिश हिंदी। तो आपको क्या करना है, हिंदी इंग्लिश में क्लिक नहीं करना है। आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहा है सेट एटीएम पिन ग्रीन पिन, उसके आगे जो बटन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन मिलता है, ओटीपी जेनरेट, ओटीपी वैलिडिटी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ओटीपी जेनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास इसी तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ग्रीन पिन ओटीपी जेनरेशन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे नीचे आना है। आपको यहाँ पर नो दिखाई दे रहा है, नो में क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर आपको जो यस दिखाई दे रहा है, यस के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज वेट, आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद आपके पास एक रिसिप्ट मिल जाएगा, अब यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, डेबिट कार्ड जो आपने इंसर्ट किया था डेबिट कार्ड को भी निकाल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ओटीपी जेनरेशन सक्सेसफुल। अपने बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसी मोबाइल नंबर 4 डिजिट का ओटीपी है, आपको यहाँ पर साइड में दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आपके पास भी ओटीपी आ चुका है, मेरे पास तो आ चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, दोबारा एटीएम कार्ड को इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है हिंदी इंग्लिश, आपको क्या करना है, हिंदी इंग्लिश में क्लिक नहीं करना है। नीचे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेट एटीएम पिन, और नीचे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ग्रीन पिन, उसके आगे जो बटन दिखाई दे रहा है दोबारा इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास इसी तरीके से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ओटीपी जेनरेट। तो हमारे यहाँ पर ओटीपी जेनरेट हो चुका है, हमें क्या करना है, यहाँ पर ओटीपी वैलिड इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास इसी तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज एंटर योर ओटीपी। तो हमारे पास जो अभी ओटीपी आया था रजिस्टर मोबाइल नंबर पे 4 डिजिट का ओटीपी आपके पास भी आ गया होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ओटीपी एंटर करना है। मैंने ये पहले यहाँ पर 4 डिजिट का जो ओटीपी आया था, मैंने यहाँ पर पहले एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज एंटर योर न्यू पिन, आपको क्या करना है, अपने हिसाब से आपको यहाँ पर 4 डिजिट पिन चूज करना है, अपने हिसाब से जो कि आपको याद रहे आगे जाके। तो क्या करना है, मैंने यहाँ पर 4 डिजिट पिन यहाँ पर फिल कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर बोला जा रहा है री एंटर योर न्यू पिन, अभी जो आपने पिन सेट किया था 4 डिजिट का पिन दोबारा यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है योर ट्रांजेक्शन हैज बीन प्रोसेस, यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर एक स्लिप मिल जाएगा, उसके बाद आपने जो डेबिट कार्ड है डेबिट कार्ड को निकाल लेना है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, आपके एटीएम पिन सेट हुआ है या नहीं हुआ है कैसे पता करना है, तो इसके लिए क्या करना है, दोबारा आपको यहाँ पर अपने जो डेबिट कार्ड है डेबिट कार्ड को इंसर्ट कर लेना है। इंसर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने बैलेंस निकाल लेना है 100-200 रुपया, नहीं तो अपने बैलेंस यहाँ पर चेक कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश के ऊपर क्लिक कर दिया, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट है, इस वजह से मैं सेविंग्स के ऊपर क्लिक कर दिया। अगर आपके करेंट अकाउंट है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर करेंट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने जो 4 डिजिट पिन सेट किया था वही वाले 4 डिजिट पिन यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो अपने बैंक अकाउंट में जो भी बैलेंस है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आपके यहाँ पर पिन सेट नहीं होगा, यहाँ पर इसी तरीके से पेजों पे नहीं होगा, आपके बैंक अकाउंट में जो बैलेंस है यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान से वीडियो को देखना है, समझना है, उसके बाद आपको अपने एटीएम पिन को सेट करना है। दोस्तों ये था छोटा जानकारी, इस जानकारी को अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।